मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने महान शिक्षण के रूप में भारत की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ मिसाइल मैन के रूप में भारतीय रक्षा रणनीति को भी मजबूत किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी डिपो होल्डर्स को 5GPOS डिवाइस उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी सहायता से डिपो होल्डर्स बैंक की तरह खाते में पैसे जमा करा सकेंगे। हरियाणा सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए समानता की बात करता है और देश में सभी धर्मों के लिए समान है और इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने लोगों से आपत्तियां मांगी हैं जिस पर विचार कर रणनीति बनाई जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की विशेष टीम ने पंचकुला में तैनात हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य अभियंता महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को 2 लाख रिश्वत लेते हुए मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित बोर्ड के कार्यालय में तैनात था और विजिलेंस की टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। करनाल में सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। सब्जियों की बड़ी कीमतों के बाद बाजार में खरीद भी कम हो गई है। टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी सहित सभी सब्जियां 100 रुपए किलो से पार हैं। वहीं आढ़तियों का कहना है कि पहाड़ों में बारिश के कारण सब्जियों के दाम में तेजी आई है और बहाव से भी आवक कम हुई है। झज्जर के गांव मातन हेल के पास नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक नहर में नहाने गया था, उस दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को शव दे दिया गया। हिसार लघु सचिवालय के बाहर धरने पर किसानों ने मांगे न मानने पर 10 अगस्त को लघु सचिवालय के 3 गेट बंद करने की चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि 7 बार मीटिंग होने के बाद भी सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी है। आपको बता दें, बीमा क्लेम की राशि खाते में डालने के लिए किसान पिछले 57 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। रेवाड़ी के सदर थाने में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और थाने के SI पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है और वीडियो में SI के द्वारा मारपीट करके देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो पीड़िता की पत्नी ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया और थाने में मारपीट 24 जुलाई का बताया जा रहा है। पंचकुला में सड़क हादसे में एक नौजवान युवक की मौत हो गई है। 24 वर्षीय मृतक विकास ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था और पुराना पंचकुला के पास बाइक की टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।